नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 8 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि भारत ने लगाई कोरोना वैक्सीन की 70 करोड़ से ज्यादा डोज। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मांडविया बोले, टीकाकरण से ही मिलेगी कोरोना पर जीत। देश में सिर्फ 13 दिन में लगाई गई 10 करोड़ से ज्यादा डोज। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, देवी देवता ही हैं मंदिर के भूमि के मालिक। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, पुरोहित मंदिर की भूमि का मालिक नहीं। कहा, स्वामित्व स्तंभ में केवल देवता का नाम लिखा जाए, पुजारी सिर्फ देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि डाकघर से भी मिलेगा होम लोन। देश भर के ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को इससे मिलेगी बड़ी सहूलियत। LIC हाउसिंग फाइनेंस से हुआ करार, कई उत्पाद बेचता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 650 शाखाओं और 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट से ग्राहक होम लोन ले सकेंगे। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही, आधुनिक परिवेश के लिहाज से PM ने शिक्षकों को दिए टिप्स। मोदी ने कोरोना काल में शिक्षकों के योगदान को जम के सराहा। आप कहा कि शिक्षकों और छात्रों के बीच प्रोफेशनल नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए। ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कल शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए कही। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, सेनाओं के उप प्रमुख कर सकेंगे 500 करोड़ तक की खरीदारी। रक्षा मंत्री ने दी वित्तीय शक्तियों में वृद्धि को मंजूरी। आपको बताएं कि मंगलवार को राजस्व खरीद के लिए सशस्त्र बलों को की वित्तीय शक्तियों में विस्तार की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ताकि परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए खरीदारी करने में विलंब न हो और आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जा सके। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, दिल्ली सहित 132 शहरों की हवा पर 24 घंटे रहेगी नजर। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने प्राण का किया शुभारंभ। आनंद विहार में बने स्मॉग टावर का भी लोकार्पण किया। 104 शहरों की वायु गुणवत्ता में दिखा है सुधार। 2024 तक प्रदूषण में 30% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, झारखंड में निजी कंपनियों के 75% पद स्थानीय लोगों के लिए होंगे आरक्षित। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित प्रवर समिति ने विधानसभा को सौंपी रिपोर्ट। 40,000 तक मासिक वेतन वाले पदों पर लागू होगी व्यवस्था और 40,000 तक वेतन वालों पर 75% झारखंड के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी देनी होगी। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि तालिबानी राज के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पंजशीर में पाक ने किए हवाई हमले। आपको बताएं, काबुल में महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो काफ़ी मुखर होकर आ रही हैं और तालिबानी शासन का विरोध कर रही हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, दूसरी लहर के झटके के बावजूद वेतन बढ़ाएंगी कंपनियां। इस साल औसतन 8.8% वेतन वृद्धि के आसार हैं। साल 2022 में 9.4% वेतन वृद्धि होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियों ने जबरदस्त जुझारू क्षमता का प्रदर्शन किया है। एक सर्वे में कहा गया है कि महामारी के झटके के बावजूद भारतीय कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 8.8% की वृद्धि करेंगी। वही अगले साल यानी 2022 में वेतन वृद्धि 9.4% रहेगी। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, मंगलवार को कोरोना के 38,000 मामले आए। आपको बताएं कि देश में कोरोना मामले जो है मंगलवार रात 10:30 बजे तक 33,000 और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु के 38,125 मामले दर्ज किए गए, जबकि कोरोना की संक्रमण की वजह से 365 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि सबसे अधिक मामले जो हैं 25,772 वो केरल में आए, 189 लोगों की मौत हो गई इसके कारण। केरल के अलावा महाराष्ट्र में 3,898, तमिलनाडु में 1,544, मिजोरम में 1,468 समेत बताएं आपको पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत ज़्यादा इससे प्रभावित है। वही अली खबर जनसत्ता से ही, म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान किया गया है। म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिरोध का समन्वय करने वाले भूमिगत राष्ट्रीय एका सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आह्वान किया है। भूमिगत सरकार के कार्यकारी प्रमुख दुआ लासिला
ने पूरे देश के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में सैन्य सरकार के खिलाफ एक ही समय में विद्रोह करने की अपील की है। वही अगली खबर बिहार से संबंधित हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लौटी टीम। आपको बताएं कि नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3763 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बरसात का मौसम अभी 20 दिन बाकी, राशि और बढ़ सकती है। और आपको बताएं कि केंद्रीय टीम ने ये महसूस किया कि बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ के दौरान। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया, अक्षय सलमान समेत 28 हस्तियों पर केस की तैयारी चल रही है। दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर बताने का आरोप है। वकील की शिकायत में सभी पर FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि एक अधिवक्ता ने हैदराबाद दुष्कर्म पीड़ित की पहचान उजागर करने पर खेल और सिनेमा से जुड़ी 28 हस्तियों के खिलाफ सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी है। शिकायत में 28 लोगों में के नामों की सूची भी दी गई है, जिनमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनुपम खेर समेत क्रिकेटर शिखर धवन के भी नाम हैं। वही अली खबर हिंदुस्तान से ही, 45,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में पदों को दी गई मंजूरी, BPSC करेगा बहाली। तो एक महत्वपूर्ण खबर है और 150 अंकों की होगी ये लिखित परीक्षा, जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए होगा। BPSC लेगी यह परीक्षा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि बरौनी कटिहार रेलखंड पर ट्रैक धंसा, ट्रेनों का परिचालन बाधित। साहेबपुर कमाल के पास रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकी, पोल भी झुके, डाउन लाइन की मरम्मत जारी, परिचालन सामान्य होने में लगेगा समय। अगली खबर हिंदुस्तान से ही, देवघर बाबा मंदिर खोलने की अनुमति से कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महामारी के कारण मंदिर खोलना उचित नहीं। 22 अप्रैल 2021 से बंद है देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, हर ग्रामीण वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की स्वीकृति बैठक में दे दी गई है। GPS से जानकारी मिलेगी कहां कहां बल्ब लगाए गए हैं। तो काफ़ी ये सकारात्मक खबर है कि अब गांव भी जगमग होंगे, वहां स्ट्रीट लाइटें रहेंगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, इसमें दिया गया है कि महिला सुरक्षा के लिए अगले महीने लॉन्च हो जाएगा मोबाइल ऐप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाली महिलाओं के लिए बना ऐप, बिहार पुलिस की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बनाने पर काम हो रहा है। आपको बता दें कि बहुत जल्द जो है ये योजना लागू हो जाएगी, अगले महीने तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिलेगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, नगर निगम के निगम कर्मियों के हड़ताल से संबंधित है। कर्मियों ने 100 वाहनों के पहिए से हवा निकाली, सफाई ठप है, बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, 813 टन कचरे का नहीं हुआ उठाव। आपको बताएं कि JCB का फ्यूज निकाला, सुपर सकर मशीन यार्ड से नहीं निकली, कई मोहल्लों में डोर टू डोर वाहन निकला पर कचरा का उठाव नहीं हुआ। बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में जमा रहा पानी। तो आपको बता दें कि हड़ताल चल रहा है, 12 सूत्री मांग को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, DLED का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। DLED के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 8 से 10 सितंबर तक भरा जाएगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से, संदेह के घेरे में आने वाले सेंटरों पर नहीं होगी कोई परीक्षा। आपको बता दें JEE मेन लीक मामला है, पहले से ही बिहार के पूर्णिया, पटना और नालंदा के कई सेंटरों में NTA कर चुका है बैन। TCS के साथ NTA जल्द करेगी बैठक, ऑनलाइन सेंटर के आवंटन की होगी समीक्षा और वैसे सेंटर जो कि संदेह के घेरे में है वहाँ परीक्षा नहीं ली जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि जमीन मापी में तेजी को खरीदी गई जाएगी 711 ETS मशीनें, 42,66,00,000 की राशि की गई स्वीकृत। आपको बताएं कि बिहार में जमीन मापी के लिए ई मापी योजना के में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने 711 इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन स्टेशन मशीनों की खरीद की जाएगी। खरीद के बाद राज्य के 534 अंचलों में एक एक मशीन, सभी 101 अनुमंडलों में एक एक मशीन और सभी जिलों में दो दो मशीन स्थापित किया जाएगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से, JEE मेन 10 सवालों के जवाब पर आपत्ति। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन के चौथे चरण की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई है। स्टूडेंट ने अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और आंसर की का मिलान किया तो कई सवालों की आपत्ति जताई। इन सवालों के जवाब को लेकर स्टूडेंट ने एक्सपर्ट से चर्चा की और उसके बाद 10 ऐसे सवालों के जवाब सामने आए हैं जिनमें एक्सपर्ट और स्टूडेंट की राय अलग है। तो अब देखने वाली बात है इस पर क्या फैसला लेता है NTA।
तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉक को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।